Everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So friends, this video is going to be very important because इसमें हम लोग educational facts को cover करेंगे and आपके teaching aptitude के paper में इससे question रहते हैं, तो हम लोग आराम से बिल्कुल इस topic को समझ लेंगे. ये जो topic है हमारा education in India, थोड़ी लेंदी टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसे तीन वीडियोस के थ्रू कंप्लीट करेंगे. पहली वीडियो हमारी ये रहने वाली है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में क्या शिक्षा से रिलेटेड बातें कही गई है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस आर्टिकल्स क्या हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये कवर कर लेंगे. देन नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश रूल में जो एजुकेशन है वो कैसे डेवलप करी, क्या क्या रिफॉर्म्स आए, ठीक है, क्या चार्टर एक्ट आया, ठीक है, उसे देख लेंगे. फिर एक और वीडियो रहेगी, शॉर्ट सी ही वीडियो रहने वाली है जिसमें कि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को कवर कर लेंगे, स्टार्टिंग टू एंड कवर करेंगे. देन नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब उसी वीडियो में हो जाएगी कवर. ठीक है, तो तीन वीडियोज़ हमारी रहने वाली है. ये शॉर्ट सी वीडियो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में क्या प्रोविज़न किए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स में क्या बोला गया है. तो फंडामेंटल राइट्स जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं. ठीक है, मौलिक अधिकार इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है. ठीक है, मूल है, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग से ही हमें मिलता है, जन्म के साथ ही मिल जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, और सभी सिटीजन के लिए क्या है, ये सबसे बड़ी चीज़ है. ये फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास दी गई है उसी के कारण हम क्या है, आज इतनी आज़ादी और इतनी सेफ्टी से हम रह सकते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स थोड़ा ऊपर ऊपर से जस्ट ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि समझने में आसानी हो. तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारी, वो भाग तीन में दी गई है. हमारे संविधान में पार्ट्स हैं, टोटल 22 पार्ट्स हैं, जिसमें कि पार्ट जो थर्ड है, भाग तीन है, ठीक है, टोटल 22 भाग है, उसमें जो भाग तीन है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है. उसके बाद कितने अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स आती है. ठीक है, जो आर्टिकल 31 है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अब उसे लीगल राइट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, तो वो हमारी इसमें नहीं आती है. बाकी 12 से 35 के सारी ही जो आर्टिकल्स हैं वो हमारी फंडामेंटल राइट्स में आती है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अब टोटल कितने हैं, तो टोटल 6 हैं. पहले टोटल 7 हुआ करते थे, तो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उसे हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा. तो इतना सब कुछ जानने की आपकी ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा तो याद करने में आसानी होगी. ठीक है, और ये सारा जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, DPSP, ठीक है, तो ये सब अगर किसी वीडियो में आप लोगों के साथ पॉलिटी डिस्कस करूँगी तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा कि कैसे हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है और कैसे पूरी इंडिया की जो सिस्टम है, गवर्नेंस जो सिस्टम है, वो कैसे चलती है. ठीक है, तो कभी किसी और वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और हर सिटीज़न को जानना भी चाहिए, है ना, तो किसी और वीडियो में कभी वो डिस्कस करेंगे. बट इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं, 6 हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, ये 6 जो हमारे हैं वो मौलिक अधिकार हैं. ठीक है, हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ. समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल में आता है. स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल में आता है. शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा 23 से 24 में आता है. फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में आता है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, वो 29 से लेकर 30 तक में आता है. और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में आता है. और आर्टिकल 32 के बारे में ही अंबेडकर जी ने क्या कहा था, कि ये संविधान की हृदय व आत्मा है. ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को, वैसे तो हम लोगों ने देख लिया कि ये 6 क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं. अब इसमें भी हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि राइट टू फ्रीडम जो है, जो मैंने बी टिक लगा रखा है और ई जो टिक लगा रखा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, तो इन दोनों में ही हमारे एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, राइट टू फ्रीडम में जो आर्टिकल 21A है, देखिए 19 से 22 में पूरा हमारा राइट टू फ्रीडम आता है, तो इसी में जो 21A है वो राइट टू एजुकेशन है हमारा. ठीक, तो इन सब को अच्छे से पढ़ेंगे. और कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, जो सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार है, उसमें हम लोग 29 और 30 को देखेंगे, उसमें भी एजुकेशन की बात करी गई है. ठीक है, तो मोस्टली हम लोग तीन आर्टिकल्स को देखने वाले हैं. ओके, फंडामेंटल राइट्स में लोग तीन आर्टिकल्स को देखेंगे, आर्टिकल 21A,
आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, जिसमें कि शिक्षा से संबंधित बातें कही गई हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, समझ आ गया कि फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 हैं। ठीक है, ये सारे हैं, उनमें से जो 2 हैं, राइट टू फ्रीडम और कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, उन दोनों में बात करी गई है शिक्षा से संबंधित, और उसमें भी 3 जो आर्टिकल हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21A से। ठीक है, अनुच्छेद 21A, इसमें क्या है हमारा कि राइट टू फ्रीडम, ये तो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है सबसे पहली बात। ठीक है, 19 से 22 हमने पढ़ा ना कि राइट टू फ्रीडम है, तो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हमारा 21A आता है। और 21A जो ए बी इस तरह से कहीं भी आपको आर्टिकल के साथ दिखे ना, कि आर्टिकल नंबर के साथ लेटर भी है ए बी सी डी करके, तो समझ जाना है कि उसे बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में जब संविधान बनाया गया तब ये आर्टिकल नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा ऐड किया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसके द्वारा ये 21A मतलब आर्टिकल 21 जो है, ठीक है, उसी में आर्टिकल 21A उसे एक्सटेंड किया गया और ये आर्टिकल को जोड़ दिया गया। ठीक है, और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21A में है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार जो है वो कैसे इसे डिफाइन किया गया है कि 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या देना है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। ठीक है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व आवश्यक बोलिए या अनिवार्य शिक्षा, तो ऐसी बात किस में कही गई है, शिक्षा के अधिकार में, और शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A में है। सिंपल, बस इतना ही याद रखना है। इसे हमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि आर्टिकल 21A क्या कहता है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार कैसा है कि 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य तथा निःशुल्क, ठीक है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। तो हम लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स देखते हैं तो 8 तक मोस्टली क्या है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो वही 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हम क्या देखते हैं कि कंपलसरी और जो फ्री एजुकेशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बच्चों को आप प्राइवेट में पढ़ाओ, ठीक है, वो अलग बात है, बट गवर्नमेंट अपने तरफ से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और ये क्या है, हर बच्चे का क्या है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, सिंपल, समझ आ गया। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार में कितने से कितने वर्ष के बच्चों को कवर किया गया है, ये भी ध्यान रखना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, सिंपल, कंप्लीट हो गया आर्टिकल 21A। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 29 को। ओके, आर्टिकल 29 जो है हमारा वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में ये आता है। ठीक है, सिंपल सा है, जो सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार है उसमें 29 और 30 आर्टिकल आता है, और दोनों में एजुकेशन से रिलेटेड बात कही गई है। ठीक है, जिसमें कि आर्टिकल 29 हमारा क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, अल्पसंख्यक के हितों का क्या करना है, संरक्षण करना है। तो अल्पसंख्यक में क्या आते हैं, जो लिंग्विस्टिक, जो जिनकी भाषा, लिपि, ठीक है, ये सब उनकी अलग कल्चर है, तो ये सभी को क्या बोला जाता है, अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो अल्पसंख्यक के जो हित हैं उसको प्रोटेक्ट करने की उन्हें क्या है, राइट है। ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन सेल हैव राइट टू कंजर्व इट। भारत के नागरिक जिनकी एक विशिष्ट भाषा, लिपि व संस्कृति व है, उनका संरक्षण करने का उन्हें क्या है, अधिकार है। तो बेसिकली ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, बट यहाँ पे ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में आता है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर वैसा पूछ ले आपसे कि आर्टिकल 29 में क्या कही गई है, तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की बात की गई है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो जो उनकी कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, ये सब को प्रिजर्व करने की बात की गई है, संरक्षण की बात की गई है, तो वो एजुकेशन के थ्रू ही वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक बस बता दिया 29 को। अब 30 को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, मेन हमारा 30 ही है, जिसमें कि क्या बोला गया है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। मतलब कि जो अभी हमने देखा आर्टिकल 29 में, ठीक है, कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ठीक है, कल्चर, ये सब को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसके लिए ही आर्टिकल 30 में क्या बोला गया कि अगर उनको ये सारी चीज़ें बचानी है, संरक्षित करनी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल चला सकते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बैठा सकते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे मदरसा, मिशनरीज होती हैं, ठीक है, या फिर
ये सारी जो रिलीजियस बेसिस पर जो भी हमारी चलती है इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के द्वारा, वो सब इसमें आ जाएगी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रबंधन या प्रशासन खुद से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा किसमें कहा गया है, आर्टिकल 30 में कहा गया है, ठीक है। वही बात मैंने इंग्लिश हिंदी में भी लिखी है, तो आप लोग इसे रीड कर लेना। तो बस हमारी ये यही बात थी कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 21A, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट में, ठीक है। तो आर्टिकल 21 से ए से तो हमने याद कर लिया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन, ये याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया किसको, शिक्षा के अधिकार को, ठीक है। और आर्टिकल 30 भी याद रखना है, जिसमें कि अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कहने का मतलब क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें कि वो क्या करें, अपनी भाषा और लिपि ये सबको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने जो जनरेशन है उनको पढ़ा सकते हैं। ओके, सो वी आर क्लियर विथ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में हमने देख लिया, ये दो तीन चीज़ें हमें याद रखनी थी। 29 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हमारा कल्चरल एजुकेशनल राइट के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखेंगे कि क्या आता है हमारा, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखनी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है, ठीक है, किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन, ये सब जो भी चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिलती, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, जस्टिसेबल है, कहने का मतलब क्या है कि न्याय योग्य है, आप कोर्ट में जा करके केस कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ये राइट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है उसे क्या कर सकते हैं, हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बट अब जो हम लोग दोनों चीज़ पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे और DPSP जो पढ़ेंगे, उन दोनों को ही क्या कर सकते हैं, चैलेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को अच्छे से समझते हैं क्या है, इस चीज़ को मैं बाद में भी डिस्कस करूँगी। तो फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। कर्तव्य से तो समझ आता होगा कि जो हम अपने अंतर्मन से जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मौलिक कर्तव्य में एक तरह से देख लीजिए कि अगर नेशनल एंथम चल रहा है, ठीक है, जनगण मन राष्ट्रगान हमारा चल रहा है, ठीक है, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम बिल्कुल खड़े हो जाएं, अटेंशन में रहें, ठीक है, उसे सम्मान देने के लिए। तो ये क्या है, हमारा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन है जो ऐसा नहीं करता, तो क्या उसको हम केस उस पर केस कर सकते हैं क्या कि इसने राष्ट्रगान के दौरान अटेंशन की मुद्रा में ये नहीं आया, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैलेंज योग्य नहीं है, इसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, जिसे हम चैलेंज नहीं कर सकते, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है, ठीक है। तो 4A देखने से समझ आ गया होगा कि ए आर्टिकल मतलब अल्फाबेट भी जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये बाद में ऐड की गई है, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी, मौलिक कर्तव्य जो थे, वो पहले हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है, उसे बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोगों को समझ आ जाए कि ये मौलिक कर्तव्य है क्या, कहाँ से आया, ठीक है। बस इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड की तरह बता दे रही हूँ, बाकी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप लोग जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना आप लोगों को बेसिक पता होगा, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 के आम में फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। टोटल कितने कर्तव्य हैं हमारे, 11 कर्तव्य, ठीक है, बताए गए किस आर्टिकल में आता है, 51A में आता है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या याद रखना है कि जो 11th ड्यूटी है, ठीक है, 11th नंबर की जो कर्तव्य है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बात की गई है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो 11th ड्यूटी जो है वही ये कब ऐड करी गई, ठीक है, तो ये 11th ड्यूटी ऐड की गई है 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, वही 86वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा को अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया 21A में, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट को ध्यान रखना है हम लोग को, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11th ड्यूटी को जोड़ा गया, और 11th ड्यूटी जो 11th कर्तव्य है हमारा, वह क्या है, इसमें कहा गया है माता पिता या संरक्षक द्वारा, ठीक है, मतलब माता पिता जो पेरेंट्स हैं या फिर कोई गार्जियन है, ठीक है, द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, मतलब हर पेरेंट्स का या फिर जो भी उनका गार्जियन है, जो स्टूडेंट जो बच्चा है उसका जो भी गार्जियन है, ठीक है, उसकी ये मौलिक कर्तव्य होगी, ठीक है, उनका ये कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको क्या करें,
बेसिक जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो उन्हें प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये कर्तव्य है, इसे हम चैलेंज कर सकते हैं क्या? नहीं चैलेंज कर सकते, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP दोनों क्या हैं? नॉन जस्टिसेबल है, ओके। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? जस्टिसेबल है और ठीक है, वो बिल्कुल हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, उसे चैलेंज भी किया जा सकता है, ओके। इंग्लिश में भी मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ देती हूँ। ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स और गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? स्कूल भेजना है, ठीक है। और ये हर पेरेंट्स और गार्जियन की क्या होगी? ड्यूटी होगी, ओके। वी आर क्लियर विथ इट, ठीक है। और यही बात मैंने लास्ट में लिखी है, दिस कांट बी चैलेंज इन कोर्ट, ठीक है। इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें वो क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ फंडामेंटल ड्यूटी से आपको क्या याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि 11वां जो कर्तव्य है हमारा वो क्या है, 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उसे जोड़ा गया, और इसमें बोला गया है कि माता पिता या संरक्षक जो भी पेरेंट्स है या गार्जियन है उनका ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को वो क्या करें? प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग चलते हैं DPSP की तरफ, ठीक है। तो DPSP हमारा क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अब ये भी क्या है? नॉन जस्टिसेबल है, कहने का मतलब क्या है कि न्याय योग्य नहीं होता, इसे हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ओके। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या होते हैं? ये एक तरह से गाइडलाइंस है राज्य के लिए, स्टेट के लिए, कि उनको कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे वर्क करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, DPSP है, वो पार्ट 4 भाग 4 में आता है हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक में आता है, और इसी के अंतर्गत जो हमारा आर्टिकल 45 है उसे बस ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके। इसमें क्या कहा गया है? सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। कहने का मतलब क्या है कि 6 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको क्या करना है? चाइल्ड केयर देना है, ठीक है, ओके। और शिक्षा प्रदान करनी है, ये क्या है? स्टेट का कर्तव्य है, ठीक है। इसके लिए स्टेट अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है? स्कीम्स, योजनाएं चला सकती है, जिससे कि 6 साल तक के बच्चों को कि क्या हो सके? अच्छे से एजुकेशन हो सके और उनकी देखभाल हो सके, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं पढ़ देती हूँ, टू प्रोवाइड ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है 6 से 14 साल के बच्चों की जो शिक्षा का अधिकार है वो किस में है? आर्टिकल 21A में है, ठीक है। जब बोला जाए कि सभी पेरेंट्स, ये सबकी ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा, ये किस में बताया गया है? तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत बताया गया है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो ये है, ठीक है। और जब पूछा जाए कि 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 45 में कहा गया, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है। बस इतनी बातें याद रखनी है, आर्टिकल 45, यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली, इसे ही याद रखना है कि आर्टिकल 45 क्या कहता है। 6 साल तक के बच्चे को हमें क्या करना है कि ईयरली चाइल्डहुड केयर देनी है प्लस एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ओके। तो यहाँ पे हमने DPSP भी देख लिया, और इस तरह से हमारा ये छोटा सा जो प्यारा सा टॉपिक था, ठीक है, वो हमारा कवर हो गया, ठीक है। एक बार मैं ओके, क्या क्या ध्यान रखना है बस याद रखिएगा। आर्टिकल 21A रिकॉल करिए, क्या था आर्टिकल 21A, क्या था इसे रिकॉल करिए अपने मन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा? आर्टिकल 30 हमने पढ़ा, क्या था आर्टिकल 30 रिकॉल करिए, आर यू एबल टू डू दिस, ठीक है। तो आर्टिकल 30 क्या था हमारा? आई होप आपने रिकॉल कर लिया होगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 45 पढ़ा, आर्टिकल 45 क्या था मन में रिकॉल करिए। देन उसके बाद हमने क्या देखा? फंडामेंटल ड्यूटी देखी, तो फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बात की गई है एजुकेशन से रिलेटेड, उसे ध्यान रखना है, बस दैट्स इट, ठीक है। एंड आई होप आप लोग सब ने रिकॉल किया होगा, अगर आपने अच्छे से लेक्चर को सुना होगा तो, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन को कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर में एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ वो देख लेंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो रहेगी जिसमें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऊपर ऊपर से बस देखना है, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर भी, वो रिकमेंड कर सकती थी, बट वो सब डेप्थ में है, ठीक है। उतना हमें पढ़ना नहीं है, ऊपर ऊपर से बस हमें देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, ठीक है, ओके। सो और स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं आ पाई है,
तो आज थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो गया मेरा, जिसके वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई, सो सॉरी फॉर दैट। बट कल और संडे को, सैटरडे संडे मेरी ऑफिस ऑफ है, ठीक है? तो आराम से वीडियोस कंटिन्यूअसली मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी, बिल्कुल मन से। सैटरडे संडे पढ़िए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।